हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ लॉजिकल ट्रेड करे होंगे आज की एक्सपायरी में। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम रोजाना की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कल जब हम 21 जुलाई को अपनी मार्केट की तरफ अप्रोच करें तो कैसे लॉजिकली अप्रोच करें, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहती है दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट को रीड करने का ट्राई करते हैं एंड सेकेंड पार्ट में हम अपने लेवल्स की तरफ चलते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल अगर मार्केट देखें तो कल US की मार्केट फ्लैट से पॉजिटिव नोट पे बंद हुई थी। डाउ जोन्स मोर देन 100 पॉइंट्स पॉजिटिव बंद हुई थी। नेस्डेक फ्लैट फ्लैट बंद हुई थी। यूरोपियन मार्केट को देखें जो अभी ओपन है, मिक्सड आपको नज़र आ रही होंगी। कुछ हल्की पॉजिटिव, कुछ हल्की नेगेटिव एक आध मार्केट नज़र आ रही होंगी। तो पिछले एक हफ्ते से, लास्ट वीक से, ग्लोबल मार्केट बड़ा ही स्टेबल है, बड़ा ही स्टेबली और पॉजिटिवली आगे प्रोसीड कर रहा है। तो ग्लोबल फ्रंट के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है या कोई ऐसा कंसर्न वाला पॉइंट नहीं है। अब हमारी मार्केट में क्या हुआ? एक और स्ट्रॉन्ग डे, ऑलमोस्ट 20,000 टच हुआ है। 146 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है निफ्टी, और बैंक निफ्टी 517 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग में एक काफ़ी पॉजिटिव थिंग यह है कि 46,000 के एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देकर गई है और काफ़ी कन्विंसिंग क्लोजिंग है। निफ्टी अभी 20,000 के हर्डल से नीचे बंद हुई है। 20,000 इसके लिए एक बड़ा टेस्टिंग पॉइंट होगा। तो अगर कल वीकली क्लोजिंग भी है, अगर वीकली क्लोजिंग 20,000 के ऊपर आ जाती है तो अपसाइड और ओपन हो जाएगी मार्केट के लिए। ओवरऑल देखें तो ट्रेंड में कोई कमी नहीं है, हेल्थ में कोई कमी नहीं है, बड़ा स्ट्रांगली हम आगे बढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट 20,000 के नीचे बंद हुए। बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड में कोई भी नहीं है, जब से 13 EMA पे हैमर बनाया था और वहाँ से जो 4 दिन की कैंडल है उसने एकदम मोमेंटम ला दिया है। अब अगर हम बात करें कि लास्ट वीडियो में जो लेवल्स दिए थे उनके बेसिस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग आज कहाँ कर सकते थे, तो वो देख लेते हैं। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। आज अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी फ्लैट नोट पे बंद हुई थी और यहाँ कहीं पे ओपन हुई है। ये पहली कैंडल, लास्ट वीडियो में आपको 750 से 800 का एक जोन दिया हुआ था। ये हमारा जोन है, ठीक है, 750 से 800 का आपके पास जोन आया। इसके ऊपर क्लोज और सस्टेन के बाद हम एंट्री ले सकते थे। अगर हम देखें तो, अगर पर्टिकुलर डाटा से देखें तो इस कैंडल ने जो क्लोजिंग है 800 के ऊपर दे दी थी, 45,825 आई है। इस कैंडल में भी 45,809 आई है, यानी कंसेक्यूटिवली दो कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे गई थी 800 के, पूरे जोन के 750 से 800 के ये दोनों कैंडल। तो ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये हमारी आइडियल एंट्री पॉइंट होता, और टारगेट हमारा 46 और 46,250 दिया था, दोनों आपके यहाँ पे अचीव हो गए। इसके अलावा अगर किसी ने ये एंट्री मिस कर दी तो इस पे भी एंट्री ले सकता था। EMA और 46,000 पे हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनी है, इस पे भी एंट्री ले सकते थे। 46,250 आपका टारगेट होता जो यहाँ पे अचीव हो गया। तो दो एंट्री बनी थी, दोनों ने परफेक्टली टारगेट अचीव किया और काफ़ी मोमेंटम वाला मार्केट था। अगर आप एज अ ऑप्शन बाय ट्रेड कर रहे थे आपने आज अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न करे होंगे। काफ़ी लोगों के मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आया, तो काफ़ी लोगों ने आज डिसेंट ट्रेड करी होगी क्योंकि मोमेंटम वाला लॉजिकल मूव चल रही थी, तो बहुत अच्छा मार्केट था। निफ्टी की बात करें तो ये निफ्टी का चार्ट है। मार्केट खुला, आज रिलायंस का डीमर्जर भी था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेशर में आया, 750 के पास आया, उसके बाद से तो रुका ही नहीं, तो एंट्री यहाँ ले सकते थे। 750 पे इसने बुलिश एनगल्फिंग बनाया, बस जस्ट सर पे 13 EMA आ रहे थे तो उसके बाद कहीं ब्रेक करने का सस्टेन, इस कैंडल में कहीं एंट्री ले सकते थे। और टारगेट आपका लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग 920,000 होता है जो ऑलमोस्ट अचीव हो गया था। जिसने ये एंट्री मिस कर दी वो यहाँ पे भी ले सकता था। इस कैंडल ने 900 के ऊपर क्लोजिंग दी, ये रेड वाली कैंडल सस्टेन करी तो इस ग्रीन कैंडल के ओपन भी लेते तो भी आपके टारगेट आ गए थे। तो दोनों इंडेक्सेस में दो दो एंट्री मिली जो लास्ट वीडियो में लेवल्स थे उनकी हेल्प से, और दोनों से आप डिसेंट प्रॉफिट अर्न कर सकते थे वेदर यू आर ट्रेडिंग इन निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये आज की मार्केट की एक समरी टाइप की थी। अब ऑब्वियस है कल की मार्केट को डिस्कस कर लेते।
सबसे पहली चीज़ ये जो लेवल्स है स्पॉट के लेवल्स है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक ले, जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है उसे हैमर नहीं, क्या पता क्या होता है ये नहीं पता, 13 EMA क्या होता है नहीं पता, डेल्टा क्या होता है नहीं पता, ऑलरेडी इन सारे टॉपिक पे हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 900 750, रेसिस्टेंस है 20,000, 250 से 300 का जोन। ऑप्शन सेलर है तो 20,400 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, पुट सेलर है तो 19,400 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं, बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे। एक बार मैं चार्ट में बता देता हूँ बेटर विजुलाइजेशन के लिए। तो जैसा कि मार्केट बंद हुआ है पॉजिटिव से फ्लैट ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन मिल रही है, बट 20,000 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो गैप अप से लेकर हल्के फुल्के फ्लैट की उम्मीद है, तो गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गैप अप होता है तो भाई एक ही लेवल है, 20,000 बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर या इसके इक्वल कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, मतलब दो कैंडल कंसिक्यूटिवली 20,000 के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, देन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 100 से 125 का जोन फर्स्ट और 250 से 300 का जोन सेकेंड टारगेट होगा। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ टाइम फॉर पुट, जस्ट आउट द मनी वाली पुट आप बाय करेंगे। 900 और 750 दो आपके टारगेट हो जाएंगे। स्ट्राइक की बात हुई, टारगेट की बात हुई, जो रह गया स्टॉप लॉस रह गया। स्टॉप लॉस कॉल के केस में 20,000 के 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में 20,000 के 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। ये इंडेक्स के टर्म में, प्रीमियम के टर्म में आप कॉल पुट जिसमें भी ट्रेड कर रहे हो उसके 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो उसे कैसे डील करना है। अब चलते हैं अपने सेकेंड सिनेरियो की तरफ जो है फ्लैट का। तो फ्लैट के केस का मतलब है कि निफ्टी बंद हुए 19,979 पे, यहाँ कहीं पे ओपन होना। अगर यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो सर पे 20,000 आ रहा है, अगेन वही है सेम, इसको ब्रेक करती है सस्टेन करती है, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम, जस्ट आउट होने वाली कॉल बाय होगी। 100 से 125 का जोन और 250 से 300 का जोन टारगेट होंगे, और इसको ब्रेक नहीं कर पाती है तो पुट बाय का टाइम है, पुट आप बाय करेंगे। 900 और 750 आपके टारगेट होंगे। नीचे 13 EMA आ रहा है, अगर खुलने के बाद इसको ब्रेक करे सस्टेन करे तो भी आप पुट बाय कर सकते हैं, 900 और 750 आपके टारगेट होंगे। तो ये था फ्लैट के केस में। अगला लास्ट सिनेरियो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में जो लेवल आ रहा है वो 19,900 का आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल, इसको आज गेन किया। इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ पुट बाय टाइम, आप पुट बाय करेंगे। 750 आपका टारगेट होगा, और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम, आप कॉल बाय करेंगे। 20,000 और 20,125 का जोन आपका टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कल निफ्टी को कैसे लॉजिकली डील करना है। अब चलते हैं अपने सेकेंड इंडेक्स की तरफ, बैंक निफ्टी। क्रूशियल लेवल 46,000, जिसके ऊपर आज क्लोजिंग आई है। सपोर्ट है 45 से 45, 167 का जोन और 45.5, रेसिस्टेंस 46.5 एंड 46,950 से 47,000 का एक जोन है। ऑप्शन सेलर है तो 47,600 के ऊपर, पुट सेलर है तो 4,440 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं, बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे। बेटर विजुलाइजेशन के लिए चलते हैं चार्ट में और एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे लेवल्स हैं बैंक निफ्टी का। तो 250 से 300 का जोन आ रहा है, जस्ट उसके नीचे बंद होके गई है। तो अगर पहला केस देखते हैं कि मार्केट गैप अप होती है तो क्या करें, बैंक निफ्टी गैप अप होती है तो क्या करें, तो ये जोन आ रहा है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे ओपन हो, गैप अप होने के बाद एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय होगी। 46.5 आपका टारगेट होगा, 46,500। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय टाइम, जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करनी है। 46 और 45, 700 से 750 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। स्ट्राइक की बात हुई, अगेन टारगेट्स की बात हुई, रह गया स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, तो कॉल के केस में ये हो जाएगा, पुट के केस में ये हो जाएगा इंडेक्स के टर्म में।
प्रीमियम के टर्म में जो भी आप कॉलपुट ले रहे हैं उसके 40 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप के केस में। अब अगला केस है कि फ्लैट में क्या करें। फ्लैट का मतलब है जो निफ्टी बंद होगी, बैंक निफ्टी 46,180 समथिंग पे हुई है, यहाँ पे बंद हुई है, तो जस्ट इसके ऊपर जोन आ रहा है। फ्लैट ओपन होती है, इसको ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो इट्स अ कॉल बाय टाइम। आप जस्ट आउट द ऑनली कॉल बाय करेंगे, 46.5 आपका टारगेट होगा। ब्रेक नहीं कर पाती है तो इट्स अ पुट बाय टाइम, पुट बाय करेंगे 46, और 45,700 से 750 का जोन आपका टारगेट होगा। ये था फ्लैट के केस में। अगला लास्ट केस है गैप डाउन। गैप डाउन के केस में 46 का लेवल आ रहा है जिसे आज गेन किया, हो सकता है उसके पीछे एक्सपायरी भी रीजन हो, तो देखना, इसलिए मैंने उसे क्रूशियल में रखा है, देखना है सस्टेन करती है या नहीं। तो इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ पुट बाय साइन। जस्ट आउट दी पुट बाय करेंगे, 45,700 से 750 का जोन और 45,500 आपके टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम, 46,250 से 300 का जोन और 46,500 आपके टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले तो कैसे डील करना है। अब चलते हैं अपने लास्ट इंडेक्स से फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ। 375 से 400 का जोन है, सपोर्ट 500, 600 से 750, और ऑप्शन सेलर और बायर्स के रहे लेवल्स। बड़े ही इंटरेस्टिंग लेवल पे है फाइनेंशियल निफ्टी, डबल टॉप बन सकता है, एग्रेसिव एंट्री देखना होगा कल के मार्केट में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जोन पे है। इसका ब्रेकआउट फाइनेंशियल निफ्टी में नया ऑल टाइम हाईज लाएगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जंक्शन पे बंद हुआ है मार्केट। कल और इंटरेस्टिंग मार्केट होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इस इंटरेस्टिंग मार्केट में ये जो हमने डिस्कशन किया है ये आपकी लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन कुछ भी हो तो सारे वेलकम है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इसी विश के साथ आने वाला दिन लॉजिकल, प्रॉफिटेबल हो, वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।